सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, वीकली टेक अपडेट में आप सभी का स्वागत है। गाइस, ये हमारा पहला एपिसोड है यहाँ पर वीकली टेक अपडेट्स का। यहाँ पर मैं हफ्ते में आपको एक या दो वीडियो बना के ऐसे बताऊंगा जो कि पूरे हफ्ते में जितनी भी सारी चीज़ें हुई है सारी कवर करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, जो कि हमारे लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसी बात पर कर दो एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ 500 लाइक्स का। आई होप के यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं तो याद है एसुस की तरफ से एसुस जेनफोन मैक्स प्रो M1 के बारे में तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन है, सेल में भी बहुत ही सस्ता आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर इसका सक्सेसर बहुत ही जल्दी आपको लॉन्च होते हुए दिख जाएगा और यहाँ पर एक नहीं दो स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो पहला है वो एसुस जेनफोन मैक्स M2, जो दूसरा स्मार्टफोन है वो एसुस जेनफोन मैक्स प्रो M2। तो दो स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ये स्मार्ट प्राइस या आप बोल सकते हो वेबसाइट पे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और ये कंफर्म हो चुका है कि ये दो डिवाइस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर असूस क्या यहाँ पर कमाल करता है। बाकी मुझे असूस से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के बाद में। आई होप के यहाँ पर M2 जो आने वाला है वो बहुत ही कमाल का रहेगा। गाइस, सेकंड अपडेट की बात करते हैं तो याद है लेनोवो की तरफ से। लेनोवो आप सभी को पता है अच्छा ब्रांड है, बट एक से डेढ़ साल से यहाँ पर इंडिया में कुछ भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करा था। स्मार्टफोन जो था वो K8 Plus और K8 करके यहाँ पर लॉन्च करा गया था, वो भी उसको भी एक से डेढ़ साल ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है। बट लेनोवो ने यहाँ पर टीज कर दिया है कि 16 अक्टूबर का उन लोगों का नया किलर स्मार्टफोन आने वाला है। अब इसका नाम क्या रहने वाला है वो तो नहीं पता, हो सकता है कि K9 Note के नाम से लॉन्च हो जाए। और मुझे यहाँ पर जहाँ तक मेरे एक्सपेक्टेशन है, लेनोवो का Z5 को अगर रीब्रांड करके K9 Note के नाम से इंडिया में लॉन्च करते हैं वो भी 14,000 से 15,000 की प्राइस पॉइंट पर, तो यार धमाका ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर लेनोवो क्या करता है। बाकी मुझे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लेनोवो से भी है। आई होप कि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट में लेनोवो भी अपना नया स्मार्टफोन लाएगा, अच्छी प्राइस पॉइंट पे लाएगा, अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ में लाएगा। अब देखते हैं 16 अक्टूबर को हमें पता लगेगा कि भाई क्या कुछ यहाँ पर लेनोवो अपना यहाँ पर कमाल करने वाला है। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो यह आती है यहाँ पर ऑनर की तरफ से। ऑनर 8X का आप मैं हम सब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चाइना में तो ये पहले ही लॉन्च हो गया था, बट इंडिया की जो लॉन्च डेट है वो निकल के आ चुकी है। 16 अक्टूबर को यहाँ पर ये डिवाइस इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसकी डायरेक्टली टक्कर होगी Realme 2 Pro के साथ में। और लेनोवो का जैसा कि मैंने आपको बताया, लेनोवो का K9 Note या कोई भी स्मार्टफोन आने वाला है किलर वाला, उसके साथ में भी डेफिनेटली एक ही दिन में ऑनर भी लॉन्च कर रहा है, लेनोवो भी लॉन्च कर रहा है 16 अक्टूबर को। अब देखते हैं ऑनर 8X की यहाँ पर मैं प्राइसिंग का वेट कर रहा हूँ। अगर ऑनर 8X 15,000 के नीचे अगर प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो जाता है, डेफिनेटली ये भी यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में धमाका करके रख देगा। बाकी स्पेसिफिकेशन तो बहुत ही बढ़िया है ऑनर 8X के, डिज़ाइन भी बढ़िया है, डुअल कैमरा भी बढ़िया है, बैटरी भी डिसेंट लगाई गई है और परफॉर्मेंस के लिए किरिन का 710 दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑनर के ऊपर है कि भाई रियलमी 2 प्रो को टक्कर दे पाता है या नहीं दे पाता है। प्राइस पॉइंट अगर सही रख के लॉन्च करे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि रियलमी 2 प्रो को बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो वो उन लोगों के लिए है जो कि अभी भी रेडमी नोट 5 प्रो परचेज करना चाहते हैं। यार ये बात तो माननी पड़ेगी, Redmi Note 5 Pro को लॉन्च होकर 7 से 8 महीने हो चुके हैं, बट स्टिल मैं बोलूंगा मैं खुद पर्सनली ये डिवाइस को यूज करो, यार एक हिसाब का ऑलराउंडर फोन है। तो अगर आप यहाँ पर सोच रहे थे कि भाई मुझे Redmi Note 5 Pro अच्छा लगता है, अभी भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तो मैं बोलूँगा कि भाई अभी यहाँ पर बिग बिलियन डे स्टार जो सेल है वो स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर मनु कुमार जैन जो कि यहाँ पर इंडिया के जो हेड है Xiaomi के, उन्होंने आज एक वीडियो पोस्ट करा था इंस्टाग्राम पे भी ट्विटर पे या सारे सोशल मीडिया पे कि यहाँ पर जो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा Xiaomi Redmi Note 5 Pro पे, तो यहाँ पर उन्होंने 1-999 डाले थे। तो अभी क्या यहाँ पर करंट प्राइसिंग की बात करें तो 14,999 का मिलता है, पर जहाँ तक कि मुझे लगता है 2,000 का डिस्काउंट आपको फ्लैट देखने को मिल सकता है। और अगर HDFC के कार्ड से आप 10% का ऑफ ले लेते हो तो यार आपको Redmi Note 5 Pro 64GB 11,500 की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो डिस्काउंट देगा, 1,000 का देते हैं, 2,000 का देते हैं या 3,000 का देते हैं, बाकी आपको क्या लगता है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और यार अगर आ जाता है 2,000 फ्लैट डिस्काउंट दे देते हैं, HDFC का कार्ड यूज़ कर लेते हो 11,500 में, मैं अभी भी बोलूँगा इससे बढ़िया स्मार्टफोन आपके लिए आज की तारीख में नहीं रह सकता है।
गाइस लास्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो ये आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट का यहाँ पर बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाला है 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन की बात करें तो यार बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपको डील्स देखने को मिलेगी। अभी सारी डील्स तो निकल के नहीं आई है, सारी जब आ जाएगी आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको वीडियो देता जाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी है भी या मतलब सिर्फ यहाँ पर नाम के लिए यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ में एसुस का तो आपको मैंने कल वीडियो बना के बता ही दिया था, ज़ेनफोन पे अच्छी खासी ऑफर देखने को मिल रहा है, चाहे वो ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 हो या ज़ेनफोन 5Z हो। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको रेडमी नोट 5 प्रो पे भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और बाकी के जितने भी स्मार्टफोन है HDFC का 10% का ऑफ अगर आप मिला लेते हो तो बहुत ही किलर डील यहाँ पर रियलमी के भी फ़ोन में आपको बहुत ही अच्छा बढ़िया पैकेज देखने को मिलेगा। तो यार वेट कर लो, बिग बिलियन डे बहुत ही कमाल का है। और एक चीज़ मैं आपको सिर्फ कहना चाहूँगा भाई HDFC के कार्ड का जुगाड़ लगा लो, मुझे खुद यहाँ पर लगाना है क्योंकि मेरे पास भी HDFC नहीं है। बाकी आपके पास है या नहीं मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो यहाँ पर हमारी जो वीकली टेक अपडेट यहाँ पर एंड होता है और एक क्वेश्चन मैं आपसे वीकली टेक अपडेट के लास्ट में पूछा करूँगा, मुझे बताना एक कम आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या आपको यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है या आपको कस्टम UI पसंद आता है जैसे कि MIUI, EMUI, ColorOS या FunTouchOS वगैरह, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और क्यों आपको कस्टम UI पसंद आता है या क्यों आपको स्टॉक UI पसंद आता है मुझे वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। तो आई होप कि मेरी तरफ से आपको ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।